दोस्तों, आपने राजस्थान के मरुस्थल दिल्ली की परेड या आपने गांव मोहल्ले में ऊंट तो जरूर देखा होगा। इनकी सवारी का अपना अलग ही आनंद है। बैठने पर थोड़ा शाही फील आता है। ये पत्ते, पौधे, फूल आदि खाते हैं। इनके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कुबड़ होता है, हाँ वही जो ऊपर की ओर उठा होता है। ऊंट यहीं पर चर्बी स्टोर करके रखते हैं और जब तेज गर्मी में भोजन पानी मिलने की उम्मीद नहीं रह जाती तो इसी फैट के सहारे वे जिंदा रहते हैं। ये बात सच है कि बिना पानी पिए ऊंट लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन जब पीते हैं तो 100-150 लीटर गटक जाते हैं। लचक कर चलने वाले इस शानदार जानवर की ऊंचाई 7 फीट तक हो सकती है। ऐसे में वो क्या वजह है कि ऊंट को सांप खिलाने की नौबत आती है? दरअसल ऊंट को एक अजीब बीमारी होती है, वे खाना पीना छोड़ देते हैं, शरीर अकड़ने लगता है। मध्य पूर्व में ऐसी मान्यता है कि ऊंट का इलाज करने के लिए उसे जहरीला सांप खिलाना जरूरी होता है। इसके बाद ऊंट के मालिक उसके मुंह को खोलते हैं और जहरीला सांप डाल दिया जाता है। इसके ठीक बाद पानी डाल दिया जाता है जिससे वह सांप अंदर चला जाए। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है। इस बीमारी को याम कहते हैं, इसका मतलब जिंदा सांप निकलना बताया जाता है। लोगों का ये भी कहना है कि वैज्ञानिक इस रहस्यमय बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए है जिससे ऊंट का इलाज किया जा सके। ऐसे में ऊंट मालिक को किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप या पाइथन खिलाने ही होंगे। माना जाता है कि इससे सांप का जहर ऊंट के शरीर में फैल जाता है। जब असर कम होने लगता है तो ऊंट भी ठीक होने लगता है। कुछ दिन में ऊंट पूरी तरह से चंगा हो जाता है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे वीडियोस उपलब्ध है। जानवरों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की माने तो ये कीड़े के काटने से बीमारी होती है। ऊंटों में गर्भपात के साथ मौत भी हो सकती है। इसके लक्षण बुखार, आंखों से आंसू गिरना, एनीमिया, शरीर का फूलना, ऊर्जा की कमी आदि है। इलाज ना होने पर ट्राइपैनोसोमियासिस से ऊंट के मरने का खतरा रहता है। डॉक्टर सांप खिलाने से ऊंट के ठीक होने की बात को एक मिथक मानते हैं। दोस्तों, इस बीमारी के साथ ही ये भी जान लीजिए कि ऊंट को शांत प्रजाति का जानवर माना जाता है। इसे धैर्य, सहनशीलता और धीरज का प्रतीक कहा जाता है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं।